ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस को इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी को कुछ बैकग्राउंड पेजेस दूंगा जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इसलिए वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं आप सभी से एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, इसमें जो है यार हमारा कलर करेक्शन वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस मैं आपको हर वीडियोस में बोलता हूं कि यार आपको कलर रीडिंग वाला पार्ट है यार आप जरूर देखा करो, क्योंकि यार जब तक आप उस पार्ट को नहीं देखोगे तो यार आप लोग सेम रीटच नहीं कर पाओगे, एंड गाइस सेम फोटो एडिटिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए यार रीटच वाला पार्ट जरूर देखना। बाकी गाइस आप सभी को जो भी बैकग्राउंड पेजेस होंगे सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले तो यार आप कुछ ऐसे मतलब कि आपको फोटो क्लिक करवा लेना, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल अगर ना भी हो मतलब पकड़ने को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे पोज कर लेना, बाकी आपको सब कुछ इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐड फोटो में जाके पहले तो गाइज आपको इस ऐड PNG को लेना है, एंड आपको उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड गाइज आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे आपको जो अपनी चेस्ट के पास है कुछ स्टेप्स इसे रख देना है इस PNG को, ठीक है। एंड गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना है यार, आपको जो है ओपेसिटी इसमें सभी की कम रखनी है, ठीक है। जो जो आप मैं PNG दूंगा उन सबकी ओपेसिटी आपको कम रखनी है, ठीक है। एंड किसकी नहीं रखनी वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो गाइस इसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे ऐड फोटो में जाना दोबारा से, एंड ऐसे आपको गाइस ये वाला PNG ऐड करना है, ठीक है। तो आपको यार मैं कई सारे ऐसे फीचर स्टिक PNG दे दूंगा, तो आप लोग उनमें सब कुछ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ दे दूंगा मैं आपको। तो अभी आपको उसका ब्लेंडिंग मोड भी स्क्रीन रख लेना है इसका भी सेम। एंड उसके बाद अभी ना इसको आपको रोटेट करना है, ठीक है। मतलब कि आपको उसको सेम वैसे नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे इसको रोटेट करना है। तो आपको जाना है फ्लिप रोटेट में, आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन लेना है। एंड उसके बाद आपको फिर यह करना है, यहाँ पे आपको उसका साइज बड़ा करके कुछ स्टेप ऐसे यहाँ पे रख देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको फिर यह करना है थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेना इसका। एंड उसके बाद आपको उसकी भी ओपोसिटी यहाँ पे कम रखनी है, ठीक है। कुछ अराउंड रख लेना 40 तक। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर देना है डन, क्योंकि अभी इसमें हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस आपको दूसरे वाला PNG ऐड करना है, ठीक है, तो ये वाला। एंड उसके बाद आपको फिर यह करना है यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसको कर देना है आपको स्क्रीन। एंड उसके बाद आपको उसको गाइस पहले ऐसे रोटेट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स इस वाले एरिया में आपको इस वाले हैंड के पास इसको ऐसे रख देना है, ठीक है। एंड आपको उसकी भी ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेनी है, तो हम इसकी भी ओपोसिटी कम कर लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइस इतना परफेक्ट है। अब क्या करते हैं गाइस, इसको हम सिंपली कर देते हैं डन। अब गाइस आपको लगाना एक मेन PNG जो कि गाइस आपको लगाना आपके मोबाइल के पास, सो हम समझाएंगे ऐड फोटो में। एंड उसके बाद हम इस PNG को यहाँ पे सिंपली इसको ले लेंगे, एंड उसके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप से आपको उसको इसका साइज़ बड़ा करना है, ठीक है। कुछ स्टेप से ऐसे बड़ा कर लेना साइज़, एंड देखना गाइस ये आपके फिंगर्स के पास आया कि नहीं आया। एंड उसके बाद आपको उसकी ओपेसिटी कम करके चेक करना है, ठीक है। ओपेसिटी यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। एंड गाइस इसमें कुछ पार्ट हमें इरेज भी करना है, तो इरेजर टूल में जाएंगे, हार्डनेस फुल कर देंगे, एंड साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। एंड उसके बाद फोटो को जूम करेंगे, एंड जो देखिए गाइस फिंगर है हमारे, इसके पास से आपको कुछ स्टेप ऐसे इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट कर लेते हैं। ओके गाइस, सो हमारा इतना काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली कर लेते हैं यहाँ पर डन। अब गाइस यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सेव करके इसको लेके चलते हैं लाइट रूम मैप में, क्योंकि गाइस रीटच तो हमारी बहुत जरूरी है। तो अब इसको हम यहाँ पे सिंपली लाइट रूम मैप में ओपन करेंगे। देन गाइस आपको साइड में देखिए लाइट वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसका कॉन्ट्रास्ट जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, हल्का सा। एंड उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट मिलेगा गाइस, आपको हाईलाइट भी थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की तरफ रखना है। एंड यहाँ पे शेडो है जो है, शेडो को कम नहीं करना, नहीं तो फोटो डार्क हो जाएगी। आपको यहाँ पे सिंपली शेडो को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा व्हाइट, आपको गाइस व्हाइट जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इतना माइनस कर देना है। एंड जो ब्लैक है इसको भी कम नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्लस ही रखना है ब्लैक को भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे फोटो की वाइब्रेशन बढ़ा देनी है, थोड़ा सा फोटो में टेम्परेचर है जो हल्का सा कम कर देना, ताकि थोड़ा सा ब्लू टोन आ जाए फोटो में। देन आपको जाना है कलर मिक्स में, आपको ऑरेंज कलर सेट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है। एंड जो गाइस ल्यूमिनस इसको हल्का सा बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको जाना है येलो कलर में, आपको जो इसका ह्यू है आपको इसको कुछ माइनस में इसकी तरफ रखना है, एंड सैचुरेशन को प्लस। फिर उसके बाद आपको जाना है ग्रीन कलर में, आपको देखिएगा इस ग्रीन कलर तो है नहीं इसमें, फिर भी हम थोड़ा सा ह्यू चेंज कर लेते हैं, एंड इसमें सैचुरेशन कम कर लेते हैं। फिर आपको जाना है डार्क ब्लू में, अब आपको गाइस यहाँ पे जो ब्लू कलर है आप इसको स्काई ब्लू एंड डार्क ब्लू दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप जो रखना चाहो वो रख सकते हो। देन आपको डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें थोड़ा विगनेट डाल देना है, ठीक है। एंड नीचे आपको ये मिड टोन मिलेगा गाइस आपको, ठीक है, इस मिड टोन थोड़ा सा कम कर देना है। एंड जो फैदर है इसको भी आपको थोड़ा सा माइनस नहीं प्लस कर देना है इसको, ठीक है।
फिर नीचे आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे फोटो की जो शार्पनेस है आपको उसको इंक्रीज कर देना है। नीचे मिलेगा आपको नोड रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूँ अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय।